यू आर यू मेरी जिंदगी में वापस? क्यों ये पति पत्नी का खेल खेल रही हो, ये सब याददाश्त होने का नाटक कर रही हो? ये खड़ा, और ये क्या विंडो की तरफ जा रहा है? अरे कहाँ जा रहे हो? नहीं देनी चाबी, मत दो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। क्या अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं देनी ना चाबी, मत दो, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। मीटिंग की बातों में आ मैं अपनी लाइफ में कटवा दूँ।
अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। इतनी आसानी से तुम, मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, पर मैं इसका पता हूं। तब तक तुम मुझसे दूर, तुम्हें मेरे घर में रहने का अधिकार ना है। सुहागरात तो नहीं कह सकते, वो जो सुहागरात का जो बिस्तर सजा था वो मेरे और रितिका के लिए सजा था, पर ईशानी रूम में पाई जाती है वहाँ पर मुझसे, और मैं घबरा जाता हूँ, और फिर ईशानी मुझे रूम से बाहर निकलने का मौका नहीं देती, रूम लॉक कर देती है वो, और मैं उसे झगड़ता रहता हूँ कि प्लीज़ मेरी माँ मुझे चाबी दे दो, मुझे रूम के बाहर जाना है, बट ये मानती नहीं है, और फिर फाइनली मैं कमरे से बाहर कूद जाता हूँ अपनी जान बचाकर, अपनी इज्जत बचाकर। मैं बेसिकली यहाँ पे आपको पता चलेगा, कोई एक खुलेगा, खुलासा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो आपको देखने को मिलेगा, तो तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हूँ, क्यों बिहेव कर रही हूँ। एंड सबको पता है कि रितिका रणवीर को, मतलब रितिका कैसी है, और उसका वो कितने कितने खून वून किया, वो कितनी चुड़ैल बन चुकी है, तो इसकी वजह से मतलब इन अ गुड वे मेरी फ्रेंड है वो, प्लीज़ हाँ, तो मतलब सीरियल में चुड़ैल बन चुकी है, तो मैं रणवीर के साथ ऐसे होते तो देख नहीं सकती ना, इसलिए मैं इसलिए अपनी शादी छोड़कर आ गई है। आई लव यू नो, अब रणवीर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं आप जब सब, क्योंकि मैं रितिका को प्रोमिसेस कर चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताऊँगा, और मुझे अपनी लाइफ में कोई टेंशन स्ट्रेस नहीं चाहिए जो ईशानी ने मुझे आज तक दिया है। सो बेसिकली मैं सारे स्ट्रेस से दूर भागना चाहता हूँ, और वो स्ट्रेस वापस ईशानी मेरी ज़िंदगी में लाना चाहती है, मेरी ज़िंदगी में आके, तो इसलिए मैं ईशानी से दूर भाग रहा हूँ। लेकिन वो भी रहना चाहता है ईशानी के साथ, लेकिन वो प्रोमिसेस के जाल में फंसा हुआ है। मैं पहले भी ऐसे वाले रणवीर से डील कर चुकी हूँ, एंड मैंने तब भी किसी तरह से आई लव यू बुलवा लिया था, एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, सो आई एम श्योर कि इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कुछ मुझे चक्कर चलाने पड़ेंगे कि रणवीर मार जाए। ओके, थैंक यू।